खान का धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ ये चकाचक डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सारा अपने गाने चकाचक पर माधुरी दीक्षित के हिट गाने चने के खेत में के हुक स्टेप्स कर रही है। दोनों का ये स्टाइल यूजर्स का दिल जीत रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में आपको मिलेंगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ढेर सारी गपशप, वो भी एकदम क्विक अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के लव बर्ड्स यानी कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की, जिनकी शादी से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए लोग इन दिनों रहते हैं सुपर एक्साइटेड। वेल, लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो कैटरीना भी प्रियंका चोपड़ा को फॉलो करते हुए इंडियन ट्रेडिशनल और क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी करेंगी। स्पॉट बॉय में पॉपुलर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर के हवाले से छपी खबर में बताया गया है कि कैटरीना और विकी पहले भारतीय हिंदू रीति रिवाजों से और फिर बाद में क्रिश्चियन वेडिंग करेंगे। इन दिनों मलाइका अरोड़ा अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं और लगता है कि दोनों अपने इस वेकेशन को खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। वेल, हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में अर्जुन ने मलाइका संग अपनी एक वीडियो पोस्ट की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में दोनों स्विमिंग पूल में वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। वेल, फैंस इन दिनों कैटरीना और विकी की शादी से जुड़ी पल पल की खबर और अपडेट जानना चाहते हैं। इस सब के बीच आपको बता दें कि खबर है कि शादी के लिए कैटरीना एक स्पेशल डाइट फॉलो कर रही हैं। यहां तक कि अपनी वेडिंग के लिए कैटरीना ने कार्ब्स तक छोड़ दिए हैं। कैटरीना की चाहत है कि उनकी शादी महारानी अंदाज में हो, इसीलिए वो अपनी शादी पर बिल्कुल किसी महारानी की तरह ही दिखना चाहती हैं। रिपोर्ट की माने तो शादी पर फिट और परफेक्ट दिखने के लिए कैटरीना कई हफ्तों से नो कार्ब्स डाइट फॉलो कर रही हैं। स्लिम दिखने के लिए उन्होंने कार्ब्स, ग्लूटेन, यहाँ तक कि चीनी से भी दूरी बना ली है। हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया। वह सलमान खान के दबंग टूर के लिए रियाद जा रही थी। अब खबर है कि सलमान खान दबंग कॉन्सर्ट से जैकलिन को बाहर करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जैकलिन इस कॉन्सर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते बाहर हो सकती हैं। वैसे तो सलमान जैकलिन के काफी अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं, लेकिन खबर है कि रियाद में सलमान जैकलिन की जगह शायद अब डेजी शाह को रिप्लेस कर सकते हैं। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन के कनेक्शन को लेकर विवाद चल रहा है। सुकेश पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, जिस पर जैकलिन पहले ही कह चुकी हैं कि वह सुकेश को नहीं जानती। लेकिन बाद में जैकलिन की सुरेश संग कुछ तस्वीरें वायरल हुई तो ईडी का शक जैकलिन पर जाने लगा, जिसके चलते पूछताछ करने के लिए उन्हें विदेश जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। और अंत में आपको छोड़ जाते हैं पलक तिवारी की इस ग्लैमरस वीडियो के साथ जो सोशल मीडिया पे मचा रही है तहलका। Shakira's